डियर स्टूडेंट्स, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में साल में एक बार ही एडमिशन्स होते हैं और 2020 के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से एक डिटेल्ड न्यूज़पेपर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें अंडर ग्रेजुएट बीएस प्रोग्राम्स और मास्टर एमए एमएससी के मॉर्निंग और सेल्फ सपोर्टिंग यानी आफ्टरनून रेप्लिका इवनिंग प्रोग्राम्स के एडमिशन्स की कम्प्लीट डिटेल दी गई है। और याद रहे कि पंजाब यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट यानी एमएस एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम्स के एडमिशन्स बाद में अलग से स्टार्ट होंगे और उम्मीद है कि इनके एडमिशन सितंबर में ही अनाउंस हो जाएंगे। इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी और इसके एडमिशन्स के बारे में, पंजाब यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री, रैंकिंग, डिग्री प्रोग्राम्स, नंबर ऑफ सीट्स, फी स्ट्रक्चर, एंट्री टेस्ट, रिजर्व्ड सीट्स, सिलेक्शन वेटेजेस, एडमिशन शेड्यूल, अप्लाइंग प्रोसीजर और क्लोजिंग मेरिट्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। 14 अक्टूबर 1882 को इस्टेब्लिश होने वाली यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब पाकिस्तान की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और रकबे के एतबार से भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में शामिल होती है। पाकिस्तान में एचईसी की रैंकिंग के हिसाब से ओवरऑल तमाम यूनिवर्सिटीज में पंजाब यूनिवर्सिटी नंबर 2 पे है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के मुताबिक पंजाब यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में 801 से 1000 में और एशिया में 195 नंबर पे रैंक करती है। और टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के मुताबिक पंजाब यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में 1001 प्लस में और एशिया की यूनिवर्सिटीज में 251 से 300 में रैंक करती है। पंजाब यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है और इसके 5 कैंपसेस, 13 फैकल्टीज, 10 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस, 73 डिपार्टमेंट्स, इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस, 658 एफिलिएटेड कॉलेजेस, 1000 से ज्यादा फुल टाइम और 300 से ज्यादा पार्ट टाइम फैकल्टी मेंबर्स और 45,000 से ज्यादा ऑन कैंपस स्टूडेंट्स हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के 5 कैंपसेस में सबसे पहले अल्लामा इकबाल कैंपस, जिसे ओल्ड कैंपस भी कहा जाता है, लाहौर में मॉल रोड पे है और 1800 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल कायदे आजम कैंपस यानी न्यू कैंपस कैनाल रोड पे है। इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी के गुजरांवाला, जेहलम और खानसपुर में भी कैंपसेस हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट्स, डिपार्टमेंट्स और कॉलेजेस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम से लेकर पीएचडी तक ऑफर करते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के इन तमाम प्रोग्राम्स की तादाद 300 से ज्यादा है। पंजाब यूनिवर्सिटी का अल्लामा इकबाल कैंपस, कायदे आजम कैंपस, सब कैंपस गुजरांवाला और सब कैंपस जेहलम में ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट और मास्टर प्रोग्राम्स की लिस्ट आप यहां देख सकते हैं। इसकी डिटेल आपको बताते हैं कि लाहौर कैंपसेस में ऑफर हो रहे हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में आर्कियोलॉजी, फाइन आर्ट्स, आर्किटेक्चर, टेक्सटाइल डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, इंग्लिश, फ्रेंच, पाकिस्तान स्टडीज़, हिस्ट्री, फ़िलासफ़ी। फैकल्टी ऑफ बिहेवियरल एंड सोशल साइंसेज में कम्युनिकेशन स्टडीज़, डेवलपमेंट जर्नलिज्म, सोशियोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, क्रिमिनोलॉजी, जेंडर स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, सोशल वर्क। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में बीकॉम, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीबीए। फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट साइंसेज में मार्केटिंग, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीबीआईटी, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में एजुकेशन, साइंस एजुकेशन, बीएड, स्पेशल एजुकेशन। फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज में इस्लामिक स्टडीज, स्टडी ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में कोल टेक्नोलॉजी, क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज में क्लिनिकल साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, एग्रीकल्चर, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिकुलर जेनेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, जुआलॉजी। फैकल्टी ऑफ साइंस में कंप्यूटेशनल फिजिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, एनवायरमेंटल साइंसेज, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड जियोलॉजी, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्पेस साइंस। फैकल्टी ऑफ ओरिएंटल लर्निंग में अरेबिक, कश्मीर स्टडीज, पर्शियन, पंजाबी, उर्दू के प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं। और गुजरांवाला कैंपस में इंग्लिश, बीबीए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और बीकॉम। और जेहलम कैंपस में मैनेजमेंट, बीबीए, बीकॉम और कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन बाद में स्टार्ट होंगे, जिसके लिए सेपरेट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसी तरह लाहौर, गुजरांवाला और जेहलम कैंपस में 5-ईयर LLB का प्रोग्राम और फैकल्टी ऑफ फार्मेसी में डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के प्रोग्राम के अलग एडमिशन स्टार्ट होंगे,
जिसके लिए सेपरेट न्यूज़पेपर नोटिफिकेशन इशू किया जाएगा। हर साल पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी के एडमिशन अक्टूबर में ओपन होते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से 2017 में डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, अलाइड हेल्थ साइंसेज और नर्सिंग प्रोग्राम समेत 12 मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में एडमिशन्स किए गए थे, लेकिन इसके बाद ये प्रोग्राम्स ख़त्म कर दिए गए और इनमें एडमिशन्स नहीं होते। एडमिशन के लिए अप्लाई ऑनलाइन होगा। पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अवेलेबल एडमिशन पोर्टल से 10 सितंबर की सुबह 8 बजे से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी और अप्लाई करने की लास्ट डेट 5 अक्टूबर की रात 9 बजे तक है। पंजाब यूनिवर्सिटी के तमाम अंडर ग्रेजुएट BS प्रोग्राम्स की टोटल नंबर ऑफ सीट्स की डिटेल आप देख सकते हैं। इनमें ओपन मेरिट और रिजर्व सीट्स दोनों शामिल हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में मॉर्निंग के अलावा सेल्फ फाइनेंस की सीट्स भी ऑफर होती हैं और ये सीट्स इवनिंग या आफ्टरनून में ऑफर होती हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में डिफरेंट कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स और डिपार्टमेंट्स में इन्हें रेप्लिका, आफ्टरनून, इवनिंग या सेल्फ फाइनेंस सेशन कहा जाता है। पंजाब यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर बहुत इकोनॉमिकल और रीजनेबल है। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास तबका ये फीस स्ट्रक्चर आसानी से अफोर्ड कर सकता है। यहाँ आप पहले कॉलम में मॉर्निंग सेशंस के फर्स्ट सेमेस्टर की टोटल फी और दूसरे कॉलम में सेल्फ फाइनेंस, रेप्लिका या इवनिंग सेशंस की पहले सेमेस्टर की टोटल फी देख सकते हैं। ये फी सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स मजीद कम हो जाती है। जिन डिपार्टमेंट्स या डिग्री प्रोग्राम्स की फ़ी यहाँ मेंशन नहीं की गई है तो उनकी फ़ी भी इसी रेंज में होगी और जो स्टूडेंट्स ये फ़ी स्ट्रक्चर भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के लिए एडमिशन होने के बाद अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, पंजाब एजुकेशनल एंडोवमेंट फंड और डिफरेंट मेरिट और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप शामिल हैं। अंडर ग्रेजुएट BS प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एप्लीकेंट की उम्र 24 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 24 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है, जबकि सेल्फ फाइनेंस, रेप्लिका, आफ्टरनून और इवनिंग प्रोग्राम्स में किसी किस्म की कोई एज लिमिट नहीं है। कैंडिडेट्स के इंटरमीडिएट FA FSC में मिनिमम सेकंड डिवीजन यानी 45% मार्क्स होने चाहिए। वो स्टूडेंट्स जिनका सेकेंड ईयर का रिजल्ट अभी तक नहीं आया वो अपने फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं और फर्स्ट ईयर में इनका एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन होना चाहिए। मास्टर्स, MA, MSc प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 26 साल है और रेप्लिका, आफ्टरनून या इवनिंग सेशंस के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। कैंडिडेट के BA BSc में मिनिमम सेकंड डिवीजन होनी चाहिए और स्टूडेंट्स BA BSc पार्ट 1 के रिजल्ट की बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद इन्हें प्रोविजनल एडमिशन दे दिया जाएगा और ये एडमिशन कंफर्म तब होगा जब कैंडिडेट्स अपना फाइनल रिजल्ट सबमिट करेंगे। जो कैंडिडेट्स लेट एडमिशन ले रहे हैं उनके मार्क्स की डिडक्शन होगी, यानी जिन स्टूडेंट्स ने अपना इंटरमीडिएट 2019 या उससे पहले कंप्लीट किया था तो उनके टोटल एग्रीगेट में से पर ईयर के हिसाब से 2% की डिडक्शन की जाएगी। पंजाब यूनिवर्सिटी में डिफरेंट कैटेगरीज की रिजर्व्ड सीट्स अवेलेबल हैं, जिनमें 1% सीट्स स्पोर्ट्स बेसिस पे अवेलेबल हैं। जो कैंडिडेट स्पोर्ट्स बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं वो अपनी गेम से रिलेटेड 60 सेकंड्स की वीडियो रिकॉर्ड करके 10 सितंबर से 5 अक्टूबर तक दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट 19 अक्टूबर को डिस्प्ले होगी, जिसके बाद इन्हें ट्रायल्स के लिए बुलाया जाएगा। स्पोर्ट्स के अलावा बलूचिस्तान प्रोविंस, गिलगित बल्तिस्तान, KPK, फाटा और सिंध के स्टूडेंट्स के लिए भी सीट्स रिजर्व हैं, यानी ओपन मेरिट की सीट्स पे सिर्फ पंजाब डोमिसाइल के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, जबकि बाकी प्रोविंसेस के स्टूडेंट्स सिर्फ रिजर्व्ड सीट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। और इस साल पंजाब यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान आर्मी और पुलिस के शहादा के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, हॉस्टल अकोमोडेशन और ₹5,000 माहाना स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया है और ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल कोटा सीट्स एलोकेट की गई हैं। इनके अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बेसिस पर भी सीट्स रिजर्व्ड हैं। इंटरेस्टेड एप्लीकेंट्स अपने रिलेटेड स्किल्स की 1 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करके दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और इसके अलावा फॉरेन और ओवरसीज स्टूडेंट्स भी अपने होम कंट्री के एम्बेसी और पाकिस्तान मिशन अब्रॉड ऑफिस के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। हर साल पंजाब यूनिवर्सिटी के कुछ डिपार्टमेंट्स जैसे कि PUCIT और कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन की तरफ से एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, लेकिन इस साल COVID-19 की वजह से ये टेस्ट कंडक्ट नहीं किए गए और पंजाब यूनिवर्सिटी के तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए किसी एंट्री टेस्ट की ज़रूरत नहीं। सिर्फ इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन्स ECAT की बेसिस पे होंगे और LLB के लिए लॉ एडमिशन टेस्ट क्वालिफाई करना ज़रूरी है। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए मेरिट फार्मूला में मैट्रिक के मार्क्स की 25% वेटेज और इंटरमीडिएट के मार्क्स की कंप्लीट वेटेज ली जाती है और इस फार्मूला के मुताबिक मेरिट कैलकुलेट किया जाता है।
पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज पे मेरिट कैलकुलेटर दिया गया है। यहाँ से आप अंडर ग्रेजुएट बीएस या एमए एमएससी के प्रोग्राम्स की ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ अपने मैट्रिक के ऑब्टेंड मार्क्स और टोटल मार्क्स मेंशन करें और इंटरमीडिएट के ऑब्टेंड मार्क्स और टोटल मार्क्स लिखें। इसके बाद अदर एडिशनल मार्क्स यानी हाफिज़े कुरान वगैरह के मार्क्स ऐड करने के बाद कैलकुलेट के बटन पर क्लिक कर दें, जिससे आपकी मेरिट परसेंटेज सामने आ जाएगी। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के 2019 के क्लोजिंग मेरिट्स की मुकम्मल डिटेल आपके सामने है। इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी के अल्लामा इकबाल कैंपस और कायदे आज़म कैंपस के तमाम प्रोग्राम्स के क्लोजिंग मेरिट्स दिए हुए हैं और साथ में इवनिंग आफ्टरनून सेल्फ सपोर्ट या रेप्लिका सीट्स के मेरिट्स भी अवेलेबल हैं। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे दिए गए मेरिट कैलकुलेटर से अपना एग्रीगेट कैलकुलेट करें और लास्ट ईयर के मेरिट के साथ कंपेयर करें, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका एडमिशन होने के कितने चांसेस हैं। इसी तरह गुजरांवाला कैंपस और जेहलम कैंपस के प्रोग्राम्स के लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स भी आप देख सकते हैं। एडमिशन के लिए अप्लाई करने का तरीका कुछ इस तरह से है कि पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडमिशन के लिए इस लिंक पर क्लिक करें और IBIT में एडमिशन के लिए इस लिंक से अप्लाई होगा और इन दोनों कॉलेजेस के अलावा बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स, इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई इस लिंक से होगा। ये लिंक 10 सितंबर से एक्टिव हो जाएगा। जो कैंडिडेट्स रिजर्व्ड सीट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हुए मुतल्लिका रिजर्व्ड कोटा कैटेगरी को सिलेक्ट करें। प्रोसेसिंग फी 500 रुपये है, जो चालान फॉर्म के थ्रू हबीब बैंक लिमिटेड या यूनाइटेड बैंक लिमिटेड में डिपॉजिट कराई जा सकती है। ये फी HBL मोबाइल एप्लीकेशन, इंटरनेट बैंकिंग या HBL कनेक्ट एप्लीकेशन के थ्रू भी डिपॉजिट हो सकती है। मॉर्निंग, इवनिंग और रिजर्व्ड सीट्स के लिए अलग से अप्लाई करना होगा। यूनिवर्सिटी में हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन रेप्लिका, आफ्टरनून और इवनिंग प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स को हॉस्टल फैसिलिटी नहीं दी जाती। गुजरांवाला और जेहलम कैंपसेस के लिए ट्रांसपोर्टेशन और अकोमोडेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को यूनिवर्सिटी की तरफ से कॉल नहीं की जाएगी और कैंडिडेट्स मेरिट लिस्ट देखने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को विजिट करते रहें। मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी के दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू राबता करें। पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। ये हेल्पलाइन वर्किंग डेज में सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक ओपन रहेगी।